ये है सर गंगाराम हॉस्पिटल। इंडिया और इंडिया के बाहर भी लोग सर गंगाराम हॉस्पिटल को अच्छे से जानते हैं, लेकिन गंगाराम कौन थे और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था लोगों को ये नहीं पता। गंगाराम एक इंडियन सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे जो लाहौर के अर्बन डेवलपमेंट में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर के नाम से भी जाना जाता है और इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेट श्री गंगाराम का जन्म 1851 में लाहौर के पास एक गांव था, वहां एक हिंदू फैमिली में हुआ। उन्होंने रुड़की से इंजीनियरिंग की और उस वक्त गवर्नमेंट के लिए काम किया। उसके बाद उन्होंने एक बंजर जमीन का बड़ा सा टुकड़ा लीज पर लेकर उसको फर्टाइल फील्ड्स में बदल दिया, इरिगेशन चैनल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स की मदद से। उन्होंने फार्मिंग से बहुत पैसे कमाए, लेकिन उन पैसों को अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने अपने उन पैसों से लाहौर में कई पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई, जैसे स्कूल्स, म्यूजियम्स, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल्स और फिर सर गंगाराम हॉस्पिटल भी शुरू किया। फिर 1927 में उनकी डेथ के बाद उनकी एशेस का एक हिस्सा गंगा नदी में बहाया गया और एक हिस्से को लाहौर में उनकी समाधि के पास बरी कर दिया गया।